ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे हिंदू धर्म में गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं गुरु की महिमा, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। डीएनएन के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी पंडित जी, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को माना गया है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बहुत सुंदर सा आपका प्रश्न है और सबसे पहले एक बहुत सुंदर सी पंक्ति है जिसका इस्तेमाल हमेशा गुरु पूर्णिमा पर किया जाता है। पंक्ति इस प्रकार से है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। मैंने कहने का शाब्दिक तात्पर्य यह है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। ये बताने की क्षमता केवल और केवल गुरु में है कि आखिरकार ईश्वर है कौन और कहां आपको जाना है, इसका रास्ता केवल और केवल गुरु बताता है। तो आप देखिए कि गुरु की महत्ता ईश्वर माता पिता से भी बढ़कर बताई गई है, क्योंकि माता पिता का मूल कार्य होता है आपको जन्म देना, लेकिन जीवन का उद्देश्य आपको कहां जाना है, किस रूप में जाना है, क्या आपके जीवन का उद्देश्य है, वो सारा बताने का काम केवल और केवल गुरु के द्वारा होता है। और जीवन में आपको आपकी दशा और दिशा ठीक करने में गुरु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए गुरु हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जी, गुरु पूर्णिमा पर दीक्षा ली जाती है पंडित जी, इसका क्या महत्व है? देखिए, सबसे पहले हमको गुरु का शाब्दिक अर्थ भी समझना चाहिए। यदि आप गुरु का संधि विच्छेद करते हैं तो हम पहले जो पहला शब्द आता है गा, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी होती है, और रू, दोनों को समझना बेहद आवश्यक है। ऊ का अर्थ होता है कि अंधकार को दूर करने वाला, माने गुरु जो है वो आपके जीवन के अंधकार यानी ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करने वाला होता है। आपने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर गुरु दीक्षा ली जाती है, बिल्कुल दी जाती है। देखिए, गुरु का काम है आपको सही मार्ग बताना। दीक्षा का तात्पर्य क्या होता है? दीक्षा का तात्पर्य यह होता है कि गुरु आपको आपके जीवन में सही रास्ता बताने के लिए सबसे पहले आप अपने गुरु का चयन करते हैं, गुरु आपका चयन करता है, दोनों तरफ से पारस्परिक एक प्रकार से चयन की प्रक्रिया होती है। फिर गुरु अंतोदगत्व अपने शिष्य का चयन करता है और फिर दीक्षा देता है। दीक्षा का तात्पर्य होता है कि उसको सबसे पहले दिन अपने यहां आमंत्रित करता है और आमंत्रित करने के बाद गुरु ये बतलाने की कोशिश करता है कि आपको आखिरकार अपने जीवन में कहां जाना है, किस रूप में जाना है, क्या आपको पाना है। तो गुरु आपको दीक्षा स्वरूप आशीर्वाद देता है, आपके कानों में मंत्र का उच्चारण करता है। पंडित जी, गुरु पूर्णिमा पर पूजन किया जाता है, तो कोई विशेष विधि विधान के साथ गुरु का पूजन किया जाता है? बिल्कुल, देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के प्रारंभ में बताया कि गुरु ईश्वर से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए गुरु की पूजा बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे ईश्वर की पूजा की जाती है। तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा पे गुरु को एक चौक या आसन के ऊपर बिठाया जाता है, क्योंकि उनकी पूजा में वही सामग्री हम लोग लेकर जाते हैं जैसे कि ईश्वर की पूजा और आराधना में लेकर जाते हैं। तो आप एक बढ़िया थाली लें, उसमें हल्दी कुमकुम और चंदन अवश्य ले लें, थोड़े से चावल ले लें, साथ में पीले पुष्प, क्योंकि गुरु को पीले और श्वेत रंग के पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। गुरु का जो रंग माना जाता है वो पीत वर्ण माना जाता है, तो पीले रंग के पुष्प चढ़ाते हैं गुरु को। और पीले रंग के पुष्प चढ़ाने के साथ साथ पीले रंग के और श्वेत रंग के वस्त्र भी लेकर जाते हैं, क्योंकि आज गुरु को वस्त्र दान करने की भी परंपरा रखी गई है। तो गुरु को पीले वस्त्र या श्वेत वस्त्र ले लें, साथ में दुग्ध ले लें, दही ले लें, मिठाई ले लें, आरती ले लें, तो ये सारी चीजें आप ले लें। उसके बाद जब आप अपने गुरु के सम्मुख पहुंचे, उनके आश्रम या उनके घर,
तो आप उनको बढ़िया एक चौकी पर बिठाएं और चौकी पर बिठाने के बाद उनका उनके ऊपर जल का छीटा आप चढ़ाएं। छीटा चढ़ाने के बाद उनके मस्तक पर आप चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद आप जो है उनको प्रसाद स्वरूप मिठाई का भोग लगाएं, मुंह मीठा कराएं। मस्तक पर आपने चंदन लगाए तो उसके साथ अक्षत चढ़ाएं और पुष्प भी चढ़ाएं, और उसके बाद जो वस्त्र आप लेके गए हैं उनके साथ वो वस्त्र उनके कंधे पर अवश्य रखें। उनको सम्मान और प्रतीकात्मक रूप में आप अवश्य चढ़ाइए और तदोपरांत उनकी आरती की जाती है गुरु, तो गुरु की बढ़िया आरती करें और उसके तदुपरांत तो उनके चरणों में आप झुकें, उनकी पादुका को प्रणाम करें, पैरों में आप झुक जाएं, पैरों से उनका आशीर्वाद लें और गुरु से ये कहें कि आपके मस्तक पर आज वो हाथ जरूर रखे। उसके पीछे का एक बहुत वैज्ञानिक कारण है कि हमारे शरीर में जो सातों चक्र होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र हमारे यहाँ पर होता है और ऐसा माना जाता है कि गुरु का निवास हमारे आज्ञा चक्र से होकर सहस्त्रार्ध चक्र तक जाता है। तो गुरु हमको यहाँ पर अपने हाथ से छूकर आशीर्वाद देता है और उस आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ये होता है कि हमारा जो हमारे शरीर के जो सातों चक्र हैं वो कहीं ना कहीं प्रारंभ हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये माना जाता है कि हमारे चक्रों जागृत होते हैं, हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ने में इन चक्रों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आप गुरु का आशीर्वाद लें और कोशिश करें कि उनसे और कुछ ज्ञान की चीजें अपने जीवन में आप क्या पाना चाहते हैं, अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनसे उस प्रकार का ज्ञान आप अवश्य प्राप्त करें। जो भी ज्ञान अर्जन आप करेंगे निसंदेह उससे आपको अवश्य लाभ होगा। पंडित जी, पहले जो गुरु और शिष्य की परंपरा देखने को मिलती थी और आज जो परंपरा है तो उसमें क्या फर्क देखने को मिलता है? देखिए, प्राचीन काल में जैसा हम जानते थे कि बालक पैदा होता था और 3 वर्ष के उपरांत उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था जहां पर उसका माता पिता से कोई संबंध होता नहीं था, और वो जब 15 या 16 वर्ष की आयु में वहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके आता था उसके बाद ही वो अपने माता पिता को समुचित रूप से जानता था। गुरुकुल में जो उनकी गुरु माता होती थी वही माता बनकर उनकी सेवा अर्चना करती थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो अपने जीवन में सबसे पहला स्थान अपनी गुरु माता को देता था। बाद में जब वो अपने घर जाता था तब अपनी माता को उस स्वरूप में देखता था। परंतु आज के दौर में ना वैसे गुरुकुल है ना वैसे गुरु है जहां पर इस प्रकार रखने की परंपरा है। आजकल चूंकि जो बालक हैं वो विद्या अध्ययन करने के लिए शिक्षा शिक्षालय यानी स्कूल जाते हैं, तो वहां सुबह जाते हैं शाम को लौट आते हैं, वहां उनको एक गुरु के द्वारा शिक्षा नहीं मिलती, कई प्रकार के अलग अलग गुरु उनको शिक्षा देते हैं। कई बार बहुत सारे गुरु बहुत अच्छे होते हैं, कई गुरु बहुत ऐसे प्रकार के होते हैं कि जो उनको शिक्षा तो देते हैं परंतु वैसा प्रभाव नहीं छोड़ पाते जैसा कि गुरु के द्वारा छोड़ना चाहिए। तो आज के दौर में गुरु की महत्ता बहुत कम हो गई है और बहुत सारे गुरु केवल और केवल व्यवसायिक गुरु हो गए हैं जो केवल व्यवसाय के बारे में ही सोचते हैं। व्यवसाय उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोशिश करते हैं कि वो अपने शिष्यों से अधिक पैसा ऐड सकें और उस पैसे का वो दुरुपयोग करते हैं, तो जिसके चलते शिष्यों का अपने गुरु के प्रति वो स्नेह और आदर बचा नहीं जो पहले के जमाने में होता था। अब वाणिज्यिक संबंध ही ज्यादा रह गए, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर आप देखेंगे कि वो उस प्रकार के आयोजन जैसे पहले होते थे अब वो होना लगभग बंद से हो गए। पंडित जी, जैसे कि शिष्यों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के जमाने के शिष्यों को कि उन्हें किस तरीके से गुरुओं का सम्मान या कहें कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए किस तरीके के उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, गुरु अपने आप में गुरु होता है। गुरु का जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि शाब्दिक अर्थ होता है कि अंधकार का शमन करना, गुरु का जो शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन आजकल के जो शिष्य हैं वो केवल और केवल गुरु से ये चाहते हैं कि गुरु उनको कुछ ऐसा ज्ञान दे दे जिससे उनको अधिक अधिक मात्रा में लक्ष्मी की प्राप्ति होने लगे, उनका कुछ ऐसा आशीर्वाद दे जिससे उनके जीवन का जो जो परेशानी या समस्या वाला हिस्सा है वो पूर्णतः समाप्त हो जाए।
परंतु देखिए दोनों तरफ से जिसको मैं कहें पारस्परिक सामंजस्य होना बेहद जरूरी है। यदि आप गुरु को गुरु का सम्मान देते हैं, गुरु को आदर देते हैं, गुरु की भावनाओं का पालन करते हैं, तो बदले में गुरु के द्वारा आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, गुरु के द्वारा जो आपको नियम बताए जा रहे हैं, उन नियमों का भी अनुपालन करना बेहद आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं, गुरु आपको कुछ मंत्र देता है तो आपको उन मंत्रों का नियमित रूप से जाप और जो वो समय बतलाता है उसी समय आपको उसका जाप करना बेहद आवश्यक है। यदि आप नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। देखिए एक हमेशा कहा जाता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, ठीक उसी प्रकार से गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का अनुपालन करना है, ठीक उसी प्रकार गुरु का भी व्यवहार ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए कि शिष्यों के प्रति वो माता और पिता से बढ़कर अपने आप को निभाए, व्यवसायिक संबंधों को ना देखे। देखिए धन जीव को उपार्जन के लिए बेहद आवश्यक है, तो यथोचित धन तो उसको मिलना चाहिए, परंतु इतना नहीं कि आप अपने शिष्यों को पूरी तरह से प्रभावहीन कर दें। तो दोनों चीजें होना बेहद जरूरी है। मेरा मानना है कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, नियमों का अनुपालन करें। ऐसा नहीं आज आपने एक गुरु बना लिया, कल आपने दूसरा गुरु बना लिया, परसों चौथा बना लिया, ये गुरु शिष्य परंपरा नहीं है। यदि आपने किसी को एक बार गुरु बनाया है तो उसको आप आजीवन अपने गुरुत्व का सम्मान दीजिए। आप साइमल्टेनियसली यानी उसके साथ साथ दूसरे गुरु भी बना सकते हैं, लेकिन जो आपने जिससे पहली बार गुरु दीक्षा दी है उसको आपको ठीक वैसा ही सम्मान देना पड़ेगा जैसा आप अपने माता पिता को देते। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप इनका अनुपालन करेंगे तो निसंदेह मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, जैसे गुरु ग्रह को कहते हैं कि बहुत ही सौम्य माना गया है, तो इसका गुरु पूर्णिमा से कोई खास संबंध? बिल्कुल संबंध है। आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा को यदि आप ज्योतिषीय रूप में विश्लेषण करेंगे तो जिस दिन ये पूर्णिमा आती है उस दिन चंद्रमा जो है हमेशा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वो नक्षत्र होता है जो कि गुरु राशि का गुरु राशि माने गुरु की राशि का नक्षत्र माना जाता है। देखिए गुरु जो है वो धनु राशि का स्वामित्व वाला गुरु स्वामित्व वाली राशि है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नक्षत्र होता है पूर्वाषाढ़ा, अर्थात जिसका तात्पर्य होता है कि आपके जीवन के पूर्व में आपने जो भी कर्म किए हैं उनके दोषों का शमन करने का काम केवल और केवल गुरु के द्वारा हो सकता है। और आप देखिए कि इस पूर्णिमा को मनाया जाता है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को, यानी आज मनाया जा रहा है। तो आप देखिए कि आज पूर्णमासी, पूर्णिमा का तात्पर्य होता है जिस समय चंद्रमा अपने संपूर्ण कलाओं के साथ होता है, अर्थात पूर्णतया खिला होता है, चंद्रमा अपने पूर्ण आकार को प्राप्त किया होता है, अर्थात पूरी तरह से गोल होता है। तो आप देखिए कि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक दूसरे के सम सम्मुख होते हैं, क्योंकि हमेशा गुरु पूर्णिमा धनु राशि में ही मनाई जाती है और सब सामने सूर्य होता है, सूर्य मिथुन राशि में पाया जाता है। तो आप देखिए कि इस दिन जो भी जातक अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है तो उसके जीवन के जितने भी भ्रम होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा आपके मन में जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बाधाएं और जो भी आपके जीवन में उत्पन्न हुआ है उसको बनाता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आज आप अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, अपने गुरु की पूजा अर्चना करते हैं, तो निसंदेह आपके जीवन के सारे भ्रम मिल जाते हैं, मन में और चित्त में एकाग्रता उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात आपने जो पूछा प्रश्न था वो था गुरु का। तो देखिए गुरु हमारे गुरु ग्रह जो होता है हमको जीवन में विद्या और बुद्धि प्रदान करता है। जिन जातकों की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर होता है वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। खासतौर से ऐसे बालक आपने देखा होगा जन्म के समय से ही बहुत सारे लोगों में चित्त में अस्थिरता रहती है, पढ़ाई में एकाग्र चित्ता नहीं हो पाती, पढ़ाई वो करते जरूर है लेकिन समुचित नंबर नहीं ला पाते। उसके पीछे का कारण क्या होता है, गुरु और चंद्रमा दोनों ग्रह कहीं ना कहीं बेहद कमजोर अवस्था में होते हैं। तो आप यदि अपने जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो आज आप अपने गुरु का आशीर्वाद दीजिए और अपने मस्तक पर उसका हाथ रखवाइए जिससे आप अपने जीवन में सफल हो सके और ज्ञान की उस पराकाष्ठा तक को प्राप्त कर सके जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। तो कोशिश करिए, प्रयास करिए, निसंदेह आपको अवश्य लाभ मिलेगा। पंडित जी, गुरुओं का हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है?
देखिए जैसे माता और पिता का हमारे जीवन में होना बेहद जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। माता पिता हमको जन्म दे देते हैं तो हम आप उस प्रकार से मान लीजिए कि कच्ची मिट्टी है और कच्ची मिट्टी से आप बर्तन तब तक नहीं बना सकते जब तक कि कुम्हार उसको उठाकर आपको ढाल कर एक स्वरूप नहीं प्रदान करता। तो ठीक गुरु भी उसी प्रकार से है कि आपके जीवन की जो कच्ची मिट्टी है उसमें आपके जीवन को एक आकार देता है कि आखिरकार आपको किस रूप में और कहां जाना है, किस स्वरूप में जाना है। तो गुरु आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश डालता है, ज्ञान रूपी जो उसके औजार होते हैं, जो उसके यंत्र होते हैं, उसके द्वारा वो आपको एक रूप में ढाल देता है कि आपको इस दिशा में जाना है। आप गुरु को इस प्रकार से मान सकते हैं कि गुरु एक टॉर्च के समान होता है कि अंधकार है, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है, गुरु एक टॉर्च के जरिए अर्थात अपने एक ज्योति पुंज के जरिए आपको रास्ता बतलाने का प्रयास करता है कि आखिरकार आपको कहां और किस दिशा में जाना है, किस स्वरूप में जाना है। ऐसा तो नहीं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर बहुत सारे गड्ढे हैं, वो रास्ता ऐसा तो नहीं किसी और अंधकार रूपी कुएं में गिर रहा है तो आप जाकर उस अज्ञान रूपी अंधकार वाले कूप में जाकर गिर जाएंगे। तो गुरु ये सारे काम करता है जिसके जरिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में ठीक होना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार हमारे जन्म की उत्पत्ति के लिए हमारे माता पिता का होना आवश्यक। पंडित जी जैसे आपने कहा कि गुरु का गुरु ग्रह मजबूत होना चाहिए, तो इसे मजबूत करने के लिए क्या कुछ खास उपाय बताएंगे आप? देखिए बिल्कुल आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप छोटे छोटे से कुछ उपाय करेंगे तो मुझे लगता है कि गुरु ग्रह आपका अवश्य मजबूत होगा। सबसे पहला एक बहुत छोटा सा उपाय जो बहुत आसानी से किया जा सकता है, देखिए बाजार में केसर की पत्तियां अमूमन मिल जाती है तो आज के दिन आप केसर आप ले आए और दो पत्ती केसर माने दो पत्तियां जो केसर पत्तियों के स्वरूप में मिलता है तो दो पत्तियां केसर की आप ले लें, अपनी जिह्वा पर आप रख लें केसर को और रखने के बाद आप सुबह खाली पेट आप थोड़ा सा दूध पी लें। और दूसरा काम ये करें कि जब आप स्नान कर लें, स्नान करने के बाद दो पत्तियों को दो बूंद पानी के साथ एक चम्मच में घोल लें तो वो पूरा घुल जाएगा। उसको उसका उसको माथे और आपकी जो नाभि स्थल होता है वहां पर आप तिलक के स्वरूप में लगा दें। ये तो केसर का एक छोटा सा प्रयोग है। दूसरा प्रयोग आज के दिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे गुरु ग्रह मजबूत होता है आज के दिन आपको पीले वस्त्र जरूर पहनना चाहिए और कोशिश करें कि जब भी पूर्णमासी हो या जब भी गुरुवार हो आप पीले वस्त्रों को धारण करें। यदि आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं जहां पर ड्रेस कोड निर्धारित है आप पीले वस्त्र नहीं पहन सकते तो एक पीले रंग का रुमाल आप रख लीजिए और हमेशा उसको अपने साथ रखे रहिए, मुझे लगता है उससे भी आपको लाभ होगा। तीसरा और एक बहुत छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं जिसको आप कर सकते हैं वो है गुरु के मंत्र का उच्चारण करना। आप गुरु ग्रह के मंत्र का उच्चारण यदि करना आप सीख लेंगे और इस मंत्र को यदि आप अपने गुरु से प्राप्त करेंगे तो मुझे लगता है कि गुरु आप को जब ये मंत्र देगा तो ये मंत्र अपने आप स्वतः जागृत हो जाएगा। मंत्र क्या है मैं आपको बोल देता हूं, ओम गुम गुरवे नमः। इसमें गुम जो है वो बीज मंत्र है और आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी एक दूसरा मंत्र बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। तो आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। तो आप ये दोनों मंत्र यदि आप ले लें तो बहुत सुंदर है और यदि आप नहीं बोल पाए तो आप भगवान विष्णु का नारायण का जो नाम है आप उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो आप नारायण का नाम ले सकते हैं। नारायण का नाम लेने से हमेशा माना जाता है कि हमारे जीवन में मोक्ष की प्राप्ति ना केवल होती है अपितु हम अपने इसी जीवन में बहुत सारी उन्नति भी अवश्य पा लेते हैं और नारायण की पूजा करने से लक्ष्मी हमको स्वतः प्राप्त होती है। एक जो मंत्र है जो हमेशा गुरु सारे शिष्यों को हमेशा देते हैं वो मंत्र भी आपको मैं बताता हूं, उस मंत्र का भी जाप और स्मरण आप कर सकते हैं। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप जब आप जाप करेंगे वासुदेव जो कि इस पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो आप जब उनका ध्यान करेंगे तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं उनका निदान अवश्य होगा। और आज के दिन पीले रंग का भोजन करें, आप पीले रंग का हलवा बना सकते हैं,
चने की दाल। और एक चीज खास तौर से मैं हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि आज के दिन केले के दो पेड़ अवश्य लगाइए, एक आप मंदिर में लगा दीजिए और एक आप अपने घर में लगा दीजिए। यदि आप फ्लैट या छोटे से मकान में रहते हैं तो आप अपने घर में गमले में उस पेड़ को लगा सकते हैं, और गमले में पेड़ को लगाने के बाद आप कोशिश करिए कि नियमित रूप से उसकी पूजा करें। कहाँ रखें उस पेड़ को, ये भी मैं आपको बतलाता हूँ। आप अपने घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल दाहिने ओर उस वृक्ष को रखें, और जब भी आप अपने घर से निकले तो आप उसको प्रणाम करके निकले। यदि आपके घर में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि आप उस वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं तो निसंदेह 5 परिक्रमा करके अवश्य निकले, और प्रत्येक गुरुवार को थोड़ा सा जल, थोड़ी सी हल्दी और थोड़े से पीले चने की दाल जो होती है वो आप उस पेड़ को अवश्य चढ़ाएं। तो ये छोटे छोटे से प्रयोग है, यदि आप आज गुरु पूर्णिमा के दिन इन प्रयोगों को करते हैं तो मुझे लगता है निसंदेह आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। पंडित जी, चंद्र ग्रहण के दिन गुरु पूर्णिमा पड़ रही है तो क्या कुछ संयोग इसका बन रहा है? देखिए, अमूमन चंद्र ग्रहण जो है वो आषाढ़ी पूर्णिमा को ही आता है, और इससे ये तो अपने आप में एक नियमित ज्योतिषी घटना है। और भारतवर्ष में इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो दृश्य नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण इस बार सुबह 8:27 से पड़ रहा है 11:42 सुबह तक, और उस समय हमारे यहाँ सूर्योदय हुआ होगा, चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, इसलिए चंद्र ग्रहण इस बार दृश्य नहीं है। और यदि दृश्य भी होता तो ये उप छाया ग्रहण, अर्थात चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का जो पैनोरमा है, पृथ्वी की जो जो पैनोरमा जिसको कहते हैं उसमें वो आ रहा है, इसलिए वो कहीं भी घटता बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण बहुत सामान्य है, भारतवर्ष में इस बार दृश्य नहीं है, इसलिए चंद्र ग्रहण का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसको इस स्वरूप में भी देखा जाना बहुत जरूरी है कि एक माह में ये तीसरा ग्रहण है, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं तो दिखाई अवश्य दे रहा है। भारतवर्ष में ये थोड़ा सा दिखाई देगा, भारत के जो पश्चिमी भूभाग है वहां पर, जहां पर सुबह थोड़ी देर से होती है वहां पर ये अवश्य दिखाई देगा। तो उन इलाकों में खासतौर से आप देखेंगे गुजरात और भारत का जो पश्चिमी भूभाग है, जब ये चंद्र ग्रहण आता है तो उन भूभागों में कहीं ना कहीं भूकंप अवश्य आता है, और बारिश चुका आषाढ़ का मौसम होता है तो आप ये मानकर चलिए कि उन इलाकों में बहुत तेज बारिश होती है। चंद्रमा चूंकि जल का कारक है तो आप देखेंगे समुद्र में बहुत जोर जोर से ज्वार भाटे बहुत तेजी से आएंगे, वर्षा बहुत तेजी से होगी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह नदियों का जो कटाव है वो बढ़ेगा। और चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं परेशानी तो लेकर आता ही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का पड़ना एक सामान्य ज्योतिषी घटना है। पंडित जी, इस खास चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने जाना गुरु की महिमा पंडित अरविंद तिवारी जी के संवाद से। तो इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।